फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम 10 दिनों के अंदर वो ऑटोप्सी रिपोर्ट पेश करने वाली थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसमें सुशांत के निधन की वजह और उनके स्थिति के बारे में उन्हें जांच करने के लिए खास तौर पर सीबीआई ने ऑर्डर दिया था। तो आज सीबीआई को उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टरों की तरफ से मिली है, जो कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के बिल्कुल खिलाफ बड़े सबूत बनकर सामने आएंगे। महाखुलासे वो डॉक्टरों के जो सामने आ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सुशांत सिंह राजपूत के फॉरेंसिक टेस्ट करने वाले जो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल से आए थे, उसे लेकर विसरा रिपोर्ट जो फाइनल तैयार की जा रही है, इन सब के बारे में हम आपके बीच बात करने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो बहुत 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 स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से हमारे इस चैनल की खास प्रोग्राम में। और मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज आपको बताने वाली हूँ कि एम्स के डॉक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच पड़ताल में क्या नई जानकारियां फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर सीबीआई को पहुंचाई है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की वजह और उनकी दिमागी हालत आखिर कैसी थी, क्या रिया का इसमें कोई हाथ था बड़ा, क्योंकि रिया का निकला है बड़ा हाथ ये बात तय की जा रही है, क्योंकि नशीली पदार्थ का जो सेवन सुशांत ने किया उसका इंतजाम रिया ही उनके लिए करवाया करती थी। ये बात उन्होंने क्राइम ब्रांच की तरफ से किए गए इंटरोगेशन के दौरान एनसीबी के सामने कबूल किया, और खुद एनसीबी के डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल अशोक जैन ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए खुद से ही बताया है कि रिया ने जो कबूल किए हैं वो टेस्ट सेटिस्फाइड आंसर उन्हें मिले हैं, और इसके बाद कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास कोई भी वक्त की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें सीधा जेल भेजा गया है, क्योंकि अब इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं, जो भी बात उनसे जाननी थी सारी बातें रिया ने बता दी है, अब इंट्रोगेशन की जरूरत है तो बाकी लोगों की। ऐसे में जो सबूत आए हैं डिजिटल एविडेंस इसके अलावा जो कि पुख्ता तौर पर सबूत कहे जाते हैं जिसे कोर्ट में पेश करना है, इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके जरिए सुशांत और रिया के बीच के रिश्ते से ज्यादा सुशांत और रिया के नशीले पदार्थ के सेवन को लेकर नए मामले ने हड़कंप मचा दिया है, गंभीर मामला ये सामने आया है। तो जो डॉक्टर है वो बहुत ज्यादा चौंक गए हैं, और डॉक्टरों को सुशांत के वैसरा रिपोर्ट की तैयारी के बीच क्या मालूम चला है ये हम जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो दर्शकों आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट और जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर का और साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट का सुशांत के इस स्थिति में, क्या रिया वाकई में जिम्मेदार थी। देखिए रिपोर्ट। हॉस्पिटल में रिया चक्रवर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते ही है हॉस्पिटल में रिया चक्रवर्ती को लेकर जब उनके टेस्ट किए गए थे, टेस्ट रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल पाई गई थी रिया चक्रवर्ती, तो उनके लिए नशीली पदार्थ का सेवन हानिकारक नहीं था। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक विसरा रिपोर्ट, सुशांत सिंह राजपूत का विसरा रिपोर्ट नहीं आता है तब तक रिया जेल में भी सुरक्षित हैं, और उनकी राहत की उम्मीदें हैं, जमानत की उम्मीदें हैं कि सुशांत को नशीली पदार्थ दिया गया था, तो ऑलरेडी वो कोई दवाई नहीं ले रहे थे। लेकिन अगर दवाइयों का इलाज में दवाइयों का लगातार सेवन कर रहे थे सुशांत, तो सुशांत की सेहत के लिए नशीली पदार्थ का सेवन हानिकारक था, ये बिल्कुल सच है। ऐसे में जो खुलासे डॉक्टर्स की तरफ से हुए हैं, साइकेट्रिस्ट की तरफ से हुए हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आपके बीच, क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियो में साफ देखने को मिला है रिसेंट वायरल वीडियो में कि सुशांत के साथ रिया भी नशीली पदार्थ का सेवन कर रही थी, और सुशांत को इस सेवन से मानसिक स्थिति बिगड़ने का डर था, लेकिन फिर भी सुशांत ऐसा कर रहे थे, लेकिन रिया उन्हें रोक नहीं रही थी, ये भी सच है। तो कहीं ना कहीं रिया इसकी जिम्मेदार तो है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एम्स के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सस्पेक्ट्स सुशांत के निधन को लेकर, ये सस्पेक्ट्स है कि विसरा रिपोर्ट जो थे वो इसलिए अब तक सामने नहीं आए हैं क्योंकि वाकई में ये मामला उलझा हुआ है,
एम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अभी सुशांत के फॉरेंसिक टीम का ये कहना है कि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाकई में सिर्फ बीमारी की वजह से, सिर्फ मानसिक स्थिति की वजह से हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गए या फिर नशीली पदार्थ का सेवन करने की वजह से उनकी ज़िंदगी का इस तरह से अंत हुआ है। क्योंकि एनालाइज एम्स टीम कर रही है एनालाइज सुशांत सिंह राजपूत केस की, और इसका खुलासा मीडिया के सामने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के पास ही एम्स की टीम के एक्सपर्ट करेंगे, जिसमें एक है डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो जाने माने वहाँ के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टरों के जांच के बीच ये भी कहा जा रहा है कि एक साइकेट्रिस्ट ने इंटरव्यू में, मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ये बताया है कि वो जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेस नहीं भी थे तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का वो जो ट्रीटमेंट ले रहे थे इसके लिए जो दवाइयां उन्हें दी जा रही थी उस दवाइयों का सेवन के बीच में नशीला पदार्थ उनकी मानसिक स्थिति को ना सिर्फ बिगाड़ता बल्कि उन्हें पूरी तरह से होश में रहने से रोकता था। वहाँ के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि इस संभावना की जांच हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन किसी और वजह से हुआ है, यानी कि रिया चक्रवर्ती को शक के घेरे में डॉक्टर लेकर आए हैं और संभावित पहलुओं पर अभी जांच का पूरी तरह से चर्चा चल रहा है, क्योंकि संरक्षित विश्रा की भी जांच हो रही है और राजपूत को दी जाने वाली अवसाद की दवाइयों का भी जांच चल रहा है, डिप्रेशन की दवाइयों का जांच और तो और उनके बॉडी में जो निशान पाए गए थे उसके भी जांच। इसलिए रिया का जेल से इस वक्त निकलना नामुमकिन है क्योंकि मेडिको लीगल ओपिनियन मांगी गई थी फॉरेंसिक विभाग से संपर्क कर सीबीआई की तरफ से, जिसे वो बहुत जल्द भेजने वाले हैं। वेल, ये था हमारा शो आज का बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहने वाले SSR को लेकर, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। हमने आपके बीच बात की है कि इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक के बाद एक नए खुलासे, डिजिटल एविडेंस, कभी व्हाट्सएप चैट तो कभी वीडियोस, कॉल रिकॉर्ड तो कभी फोन का डाटा तो कभी बैंक अकाउंट, इन सब को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और सीबीआई की उलझन और भी ज्यादा उलझती जा रही है। ये गुत्थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया की कितनी ज्यादा गैर जिम्मेदारियों का असर था इस बारे में हमने जाना और डॉक्टरों ने क्या कहा, साइकेट्रिस्ट ने किस तरह से बताया है कि सुशांत की मानसिक स्थिति अगर सही नहीं थी और उनकी दवाइयां जो चल रही थी उस दवाई के दौरान, उस इलाज के दौरान, उस दवाइयों के सेवन के दौरान किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का सेवन बिल्कुल सही नहीं था। ये बिल्कुल सच है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की दवाइयों का ख्याल रखा था, पूरी तरह से सुशांत की जिंदगी को रिया कंट्रोल में रखती थी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद से ही सुशांत को वीडियो में ये कहा है कि दवाइयां सुबह के लिए दोपहर की क्यों नहीं ली। इस पर सुशांत रिएक्शन भी देते नजर आए हैं और साथ में बैठा एक तीसरा शख्स है जो सुशांत की दवाइयों को लेकर उनसे पूछ रहा है। ये वीडियोस रिया के फोन से मिले हैं या फिर लैपटॉप से या फिर बरामद सुशांत के घर की जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई ने किए हैं ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि लापरवाही का जिम्मेदार कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ही थी। दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे अब विदा लेने का, अगली बार फिर लौटेंगे आपके बीच बी टाउन को लेकर तमाम नई लेटेस्ट खबरें लेकर, ट्रेंडी हॉट एंड स्पाइसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं डॉक्टर के स्टेटमेंट और साइकेट्रिस्ट के एक्सपीरियंस के मुताबिक दिए गए बयानों के बाद आपका क्या राय है, क्या आप भी मानते हैं सुशांत की वो दशा के पीछे लापरवाही रिया की थी, बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। लेंगे इजाजत, नमस्कार।